हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड आज से हम लोग हमारे चैनल पॉलिटेक्निक स्टडीज पे शुरू करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं तो आपके लिए क्लासेस शुरू हो चुका है हमारे चैनल पे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एंड अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, खास करके उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो सभी दोस्त इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोग फिजिक्स से कौन कौन से चैप्टर स्टडी करेंगे, ओके। एंड उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा ये जो क्लासेस होगा फिजिक्स का, कौन कौन से बोर्ड के सिलेबस को कवर कर लेगा, मतलब कौन कौन से बोर्ड के स्टूडेंट्स ये सभी क्लासेस कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है क्या, फोर्स एंड मोशन। नेक्स्ट चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी, ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड गैस प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ओके। उसके बाद हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा मोशन इन प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एटसेट्रा, ओके। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइट। एंड उसके बाद आखिरी चैप्टर होगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग क्या 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 पढ़ेंगे दोस्तों, एक्सरेस, लेजर्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये था चैप्टर्स, ओके। एंड उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से बोर्ड के सिलेबस को कवर कर लेगा हमारे ये क्लासेस, ओके। तो सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। देन उसके बाद स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन झारखंड। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देन उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सभी ये स्टेट्स के बोर्ड को कवर कर रहा है हमारा ये क्लासेस, ओके। एंड इन सभी बोर्ड में से अगर आप किसी भी बोर्ड में एडमिशन लिए होंगे तो आपके लिए ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट वन फिजिक्स के, जो कि होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फिजिक्स के यूनिट नंबर वन से, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन से। एंड आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स पे। क्या क्या है टॉपिक्स, नीड ऑफ मेजरमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, कौन कौन से हैं। एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट के टाइप्स कितने हैं एंड कौन कौन से हैं। एंड आखिर में हम लोग सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं एंड कौन कौन से हैं। तो ये सारे टॉपिक आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक को लेके, नीड ऑफ मेजरमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग एंड साइंस में मेजरमेंट का नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। देखो दोस्तों, हमारे लाइफ में मेजरमेंट का जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि मेजरमेंट के बिना हमारा जो लाइफ होगा वो बहुत ही ख़राब होगा, बहुत ही उलझा हुआ होगा एंड बहुत ही रिस्की होगा। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा हमारे लाइफ में एंड अदर फील्ड्स में भी मेजरमेंट का इम्पोर्टेंस कितना है। तो दोस्तों, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं आपसे ही। तो मान लीजिए आपको सुबह सुबह जाना है मार्केट एंड मार्केट से आपको चावल खरीद के लाना है। तो आप सुबह सुबह उठ के मार्केट में जाएंगे एंड दुकानदार भाई साहब से आप कहेंगे कि भाई साहब मुझे चावल चाहिए। तो दुकानदार भाई साहब आपको पूछेगा कि भाई साहब आपको कितना चावल चाहिए बताइए, तब मैं दे देता हूँ। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको चावल नहीं दे पाएगा। अगर आप बताते हैं कि आपको 5 केजी चावल चाहिए या फिर आपको 10 केजी चावल चाहिए या फिर आपको 25 केजी का एक पैकेट चाहिए, तब जाके दुकानदार भाई साहब आपको चावल माप के देगा, मतलब मेजरमेंट करके आपको चावल देगा एंड इन रिटर्न आपको क्या देना है, पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए, अगर मेजरमेंट ना होता तो क्या आप खरीद पाते या फिर दुकानदार साहब क्या बेच पाता, नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहन के रखा है, जो ड्रेस आपने पहन के रखा है, वो भी मेजरमेंट करके ही बनाया जाता है, ओके। वो भी मेजरमेंट करके ही बनाया जाता है। जो आप रेडीमेड खरीदते हैं उसका भी एक स्टैंडर्ड साइज़ रहता है दोस्तों, एम साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, ठीक है ना। ये आइडिया करके, एक अंदाज़ा करके बनाया जाता है कि एक इंसान का बॉडी शेप ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इस ड्रेस को बनाया जाता है। एंड अगर आप टेलर के पास सिलाई करते हैं तो आपको पता ही होगा कि टेलर सिलाई करने से पहले आपका बॉडी का शेप मेजर करते हैं, देन उसके बाद ड्रेस बनाता है, ठीक है ना।
चलो अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे फील्ड में, जैसे कि साइंस के बात करते हैं, ठीक है। साइंस में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक केमिस्ट्री लैब में हैं एंड आपको दो सोल्यूशन दिया गया है एंड बताया गया है कि इन दो सोल्यूशन को मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स करना है। लेकिन सावधान, थोड़ा सा भी ज़्यादा मिक्स करते हैं तो ब्लास्ट हो सकता है, मतलब आपका नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेजरमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है। आपने अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, बस ब्लास्ट हो जाएगा, आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, ओके। एंड साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट होता है दोस्तों, सारे एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट का रोल जो होता है, इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेजरमेंट के बिना कोई भी एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। साइंस एकदम आगे नहीं जा सकता, ओके। साइंस थोड़ा सा भी आगे नहीं जा सकता मेजरमेंट के बिना, एक्यूरेट मेजरमेंट लगेगा एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग तो साइंस का ही एक अलग सा ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि साइंस के जो थ्योरीज हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए कि साइंस में अगर मेजरमेंट के बिना हम लोग थोड़ा सा भी आगे नहीं जा सकते, तो इंजीनियरिंग में हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको एक मशीन बनाना है, तो मशीन का थोड़ा सा पार्ट अगर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या होगा दोस्तों, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। मतलब मान लीजिए कि आपने एक पंखा बनाया है, ठीक है, एक पंखा बनाया, मोटर से एक पंखा बनाया है, तीन साइड का, ठीक है। तो एक पंखा अगर छोटा हो जाता है, एक पंखा अगर बड़ा हो जाता है, क्या होगा दोस्तों, वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको मेजरमेंट करना ज़रूरी है कि तीनों ही साइड जो है दोस्तों, तीनों ही डंडे जो है दोस्तों, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एकदम इक्वल, एक जैसा ही होना चाहिए। एंड एक जैसा बनाने के लिए चाहिए मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लाइफ में एंड अदर फील्ड्स में, जैसे कि अदर फील्ड बोले तो साइंस इंजीनियरिंग के अलावा जो फील्ड्स है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कॉमर्स, तो सारे जगह पे है दोस्तों मेजरमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीड है वहाँ पे। मेजरमेंट के बिना कुछ भी आगे नहीं जा सकता, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, मतलब भौतिक राशि के बारे में, भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने सारे चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन द यूनिवर्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज़ जिसको हम लोग माप सकते हैं, उस सभी चीज़ों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ का लेंथ माप सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ये जो मार्कर है, मार्कर का लेंथ कितना है दोस्तों, ये हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, ये हम माप सकते हैं। तो ये लेंथ क्या है दोस्तों, लेंथ को है एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग लेंथ माप रहे हैं ना, तो लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका वेट हो गया, ठीक है, वेट को हम मापते हैं, आपका वेट कितना है, उसका वेट कितना है, उसका वेट कितना है, तो वेट हम मापते हैं, तो वेट क्या है दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी। वैसे टाइम हम लोग मापते हैं अपने घड़ी के साथ सारे, ठीक है, एंड मोबाइल पे हम लोग टाइम देखते हैं, तो हम लोग टाइम मापते हैं, इसलिए टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही मास, स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें क्या है दोस्तों, जिसको हम लोग माप सकते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया क्या है, हर वो चीज़ जिसको हम लोग माप सकते हैं, वो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, वो किसी घटना हो सकता है, ठीक है ना, वो चाहे कुछ भी हो, अगर हम उसको माप सकते हैं तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह टाइप्स होते हैं। वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, दो अलग अलग तरीके से, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर बेस करके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के ऊपर बेस करके भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो देखेंगे, चलो लीनियरली लिखता हूँ मैं, इस तरह से लिखता हूँ,
तीन तरह के हमें देखने को मिल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो हमें तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिल जाएगा। पहला तो है फंडामेंटल मौलिक, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, चलो ओके। देन उसके बाद डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एंड तीसरा है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हमें दो तरह के देखने को मिल जाएगा, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। तो आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो अलग अलग तरीके से डिवाइड करा है। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर बेस करके हमने तीन तरह से डिवाइड करा है फिजिकल क्वांटिटी को, एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह के डिवाइड किया है, ठीक है ओके। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंटरी क्वांटिटी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड स्केलर एंड वेक्टर क्या है दोस्तों, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के ऊपर बेस करके जब हमने डिवाइड किया तो ये दोनों हमें मिल गया। तो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है दोस्तों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी है जो सब क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आप लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं जिसमें कि 5 वायल होते हैं एंड बाकी कंसोनेंट होते हैं। तो वायल क्या है दोस्तों, ये वायल आपका कोई भी दूसरे लेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, दूसरे कोई लेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ए ई आई ओ यू, एंड बाकी जो है दोस्तों बाकी डिपेंड करता है इसी 5 वायल के ऊपर, ओके, जैसे बी सी सभी ये डिपेंड करता है वायल के ऊपर। तो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है एंड उनमें से कुछ क्वांटिटी ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंट है एंड जिसके ऊपर डिपेंडेंट है बाकी सब, ठीक है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो सब क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि डिपेंड नहीं करता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे कि आपका मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ओके, लेंथ मास टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड उसके बाद टेम्परेचर। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एंड दोस्तों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अगर एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मास हो गया, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टाइम एंड टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं, टेम्परेचर, ओके, तो बस इतना ही लिख लीजिए फिलहाल, ओके, ठीक है ना। तो ये सारे हैं एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जो सब फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, जो कि दूसरे किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ओके, एंड बाकी इसमें डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर बात करें डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है दोस्तों, बिल्कुल कॉन्सनेंट जैसा है, ठीक है, यहाँ पे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डेराइव करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सहारे, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के सहारे हम लोग इन सभी क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि डेंसिटी आ गया, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है दोस्तों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम लोग दो क्वांटिटी ले रहे हैं एंड दो क्वांटिटी के सहारे हम लोग डेंसिटी को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो डेंसिटी क्या हो गया दोस्तों, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, जो सभी क्वांटिटी को हम लोग डेराइव करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सहारे, उन सभी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का, ओके। तो सबसे पहले एरिया ही देख लीजिए, एरिया क्या है दोस्तों, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना तो आपको पता ही होगा। वॉल्यूम क्या है दोस्तों, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये सभी तो आपको पता होगा ना। तो डेंसिटी क्या है दोस्तों, डेंसिटी क्या होगा, अभी अभी मैंने कहा मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सभी फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ किया है, लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना, तो ब्रेथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड हाइट भी क्या है, लेंथ है, लेंथ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ऊपर भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के सहारे डेंसिटी को एक्सप्रेस करा है। तो डेंसिटी हो गया डेराइव क्वांटिटी, ओके, जैसे कि फोर्स, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब लेंथ अपन टाइम स्क्वायर,
ठीक है, टाइम स्क्वायर, ओके ठीक है ना, लेंथ अपन टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, लेंथ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड मास ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये सभी है एग्जाम्पल, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ओके। तो ये सभी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के लिए। एंड आज के क्लास का PDF आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे www.polytechnicstudies.com पे, ठीक है। तो साइट को विजिट करिएगा, अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है लेकिन PDF मैं डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक है, PDF आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड साइट का जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है, चलो। और उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी की। सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी ना ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना ही डिराइव है, मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ये अलग सा ही है। एंड सप्लीमेंटरी क्वांटिटी वैसे दो ही सप्लीमेंटरी क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। जैसे कि एंगल हो गया, एंगल एग्जाम्पल एंगल, एंड दूसरा एग्जाम्पल है सॉलिड एंगल, ठीक है, एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दोनों आप याद रखिएगा। एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या है दोस्तों, सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी, ना ही ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ना ही ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये अलग सा ही है, ये है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल एंगल एंड सॉलिड एंगल, ओके दोस्तों। ये था तीन फिजिकल क्वांटिटी जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर डिवाइड किया था, ओके। अब हम लोग बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन ही जान लेंगे, ठीक है, एंड एग्जांपल जान लेंगे, एंड स्केलर एंड वेक्टर हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। बिल्कुल वेक्टर से हमें न्यूमेरिकल भी करना है तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट यूनिट में हम लोग वेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ओके। तो स्केलर क्या है दोस्तों, स्केलर वो सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं जिस सभी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है, कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करा जाता है, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है उसका, ठीक है। जैसे कि एरिया हो गया, एरिया का सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए। लेंथ जैसे हो गया, लेंथ कितना लेंथ है, ठीक है, कितना लंबा है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करा जाता, ठीक है, जिसके लिए ये सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, इसलिए हम लोग कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आप लिख लीजिए लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम एरिया हो गया, एंड उसके बाद हम लोग मास, ठीक है, ओके, डेंसिटी, तो ये सभी है स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसका वैल्यू भी है डायरेक्शन भी है, ठीक है, वैल्यू भी है एंड उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है, दोनों ही है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, ठीक है, फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, किस तरह फोर्स एक्ट हो रहा है, वेट, वजन, वजन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक्ट करता है, मतलब ओके। तो वेट क्या है दोस्तों, वेट है एक वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एंड उसके साथ साथ और कुछ एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये सभी एग्जांपल आप याद रखिएगा, ओके। स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, मास, डेंसिटी, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल। एंड वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आपका फोर्स हो गया, वेट हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है एंड मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जान लिए हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, एंड उसके साथ साथ सभी टाइप्स को हम लोगों ने समझ लिए हैं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मेजरमेंट प्रोसेस है यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, ये है एक कंपेयरिंग प्रोसेस, ठीक है, कंपेयर करके हम लोग मेजर करते हैं। बिल्कुल किस तरह से मेजर करते हैं इसको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के सहारे समझाऊंगा, ओके दोस्तों। मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा पत्थर है, ठीक है, आपके पास इतना एक पत्थर है एंड इसी पत्थर का एक टुकड़ा आपके पास है, ठीक है, ओके, ठीक है ना, इसी पत्थर का एक टुकड़ा आपके पास है, तो हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं। देखो दोस्तों हम लोगों ने इस टुकड़ा को ए नाम दिया, ठीक है,
इस टुकड़ा को ए नाम दिया एंड इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिए, ठीक है, इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिए हैं, ओके। एंड देखेंगे कि इसके कितने गुना है ये वाला बड़ा टुकड़ा, ठीक है, इसके कितने टाइम्स है ये वाला टुकड़ा, ओके। तो मान लेते हैं ये है 50 टाइम्स ऑफ ए, ओके, ऑफ ए। तो इसको हम लोग मेजर कैसे करा, इसके सहारे, ओके, इसके 50 गुना है ये वाला टुकड़ा, ठीक है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने लिया है यहाँ पे, ओके, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट, मतलब इकाई, यूनिट, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट, जिसके सहारे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। याद रखिएगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मान रहे हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, उसी का सेम मटेरियल होना चाहिए, ओके। जैसे अगर हम वज़न मापते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम लोग वज़न को ही स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है, छोटे टुकड़ा का वज़न लेंगे, ठीक है। अगर आप लेंथ माप रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि एक छोटा लेंथ लेंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि मैं इस पूरा लाइन को मापने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक मापने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है मार्कर, तो ये मार्कर का जो लेंथ है दोस्तों, ये छोटा लेंथ है, तो इस लेंथ को मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड मान लेता हूँ। एंड इस तरह से मैं मेज़र करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये पूरा लाइन कितना हो गया दोस्तों, 6 टाइम ऑफ द मार्कर, ठीक है, ऑफ द मार्कर्स लेंथ। इसका जो लेंथ है दोस्तों, इसका 6 गुना है ये बड़ा टुकड़ा, तो इसका लेंथ को हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, यूनिट, ठीक है, क्योंकि इस लेंथ के सहारे हम लोगों ने इस लाइन को मापा है, ठीक है। तो यूनिट समझ में आ गया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के एक छोटे से वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड मान लेंगे। एंड उस स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने गुना होगा ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग माप रहे हैं, तो उसी छोटे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, हम लोग कहते हैं यूनिट, ओके। छोटा सा जो हमने स्टैंडर्ड माना है उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं यूनिट, ओके। जैसे आप एक हाथी के वज़न को मापेंगे, ठीक है, एक हाथी का वज़न कितना होता है, तो आपके पास एक बकरी था, तो आपने बताया इस बकरी का 100 गुना होगा इस हाथी का वज़न, तो आपने जो बकरी का वज़न लिया है यहाँ पे, तो बकरी का वज़न क्या होगा दोस्तों, बकरी का वज़न होगा यूनिट, ओके, आपके लिए यूनिट यहाँ पे हाथी के वज़न मापने के लिए, ओके, ठीक है ना। तो बात समझ में आया, जिस छोटे से क्वांटिटी को हम लोग स्टैंडर्ड मान रहे हैं उस छोटे से क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे यूनिट, ओके। जैसे कि हम लोग अगर लेंथ माप रहे हैं, ठीक है, हम लोग अगर लेंथ माप रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग मीटर लेते हैं, ठीक है, मीटर। एंड अगर हम लोग वेट माप रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किलोग्राम लेते हैं, ठीक है ना, वैसे ही, ओके, ठीक है। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं यूनिट्स को। तो सबसे पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ, आगे हम लोग यूनिट्स के टाइप देखेंगे। यूनिट आपको समझ में आ गया होगा, एंड मैंने जो कहा पीडीएफ का जो लिंक होगा दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हमारा वेबसाइट पे पीडीएफ अपलोड होगा, ओके, आज ही हो जाएगा अपलोड, ठीक है ना। तो वेबसाइट पे जाइएगा एंड वेबसाइट पे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलो वेबसाइट का लिंक क्या है दोस्तों, www.polytechnicstudies.com, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं है, ओके। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट के बारे में, ठीक है, यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में हम लोग देखेंगे, पहला तो फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, डेराइव यूनिट्स, एंड तीसरा है सप्लीमेंटरी यूनिट। ओके, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के होते थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 तरह के आपको यूनिट्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंटरी यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग किसे कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। एंड आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, जो सारे यूनिट किसी भी दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो सारे यूनिट को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमने क्या क्या लिया था, लेंथ, ठीक है, लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या है दोस्तों, मीटर, ओके, मीटर एसआई सिस्टम में, तो ये हम लोग बाकी बाद में देखेंगे। एंड मास लेते हैं, मास क्या है दोस्तों, किलोग्राम। एंड टाइम अगर लेते हैं तो टाइम का यूनिट है सेकंड, ठीक है, तो ये तीनों ही लेते हैं, बस तीनों ही लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, ओके।
तो ये तीनों जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिया है, लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों क्या है दोस्तों? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये किसी भी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। एंड इसके यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? फंडामेंटल यूनिट्स। एंड डेराइव यूनिट्स क्या कहते हैं दोस्तों? डेराइव यूनिट जो कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स है, उसे हम लोग कहते हैं डेराइव यूनिट। डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग कह सकते हैं डेराइव यूनिट, यूनिट ऑफ डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे कि एरिया का यूनिट क्या है दोस्तों? एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड आपका फोर्स जैसे हो गया, फोर्स हो गया न्यूटन, ठीक है, न्यूटन SI में, एंड CGS में डाइन। एंड वॉल्यूम आप ले लेते हैं तो क्या होगा? वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी अगर लेते हैं, डेंसिटी तो क्या होगा दोस्तों? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स के लिए, ठीक है, तीन एग्जांपल। एंड डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये सारा एग्जांपल, ठीक है दोस्तों, ओके। एंड सप्लीमेंटरी यूनिट्स क्या है? सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंटरी यूनिट्स, ओके। एंड हमें पता है कि सप्लीमेंटरी क्वांटिटी ओनली दो है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो एंगल एंड सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा दोस्तों, वही होगा सप्लीमेंटरी यूनिट। तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख लूँगा। देखो दोस्तों, एंगल का यूनिट क्या है? SI यूनिट है रेडियन, ठीक है, रेडियन। एंड सॉलिड एंगल का क्या है? स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरियन, ओके। इसको रेड से लिखा जाता है एंड इसको SR, ठीक है, ओके। चलो, ये हो गया सप्लीमेंटरी यूनिट्स, ओके दोस्तों, याद होगा। एंड ये था यूनिट्स का। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, ठीक है। तो ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। देन उसके बाद सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो कि आखिरी टॉपिक है हमारा आज का, ओके। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है दोस्तों, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ओके। तो कितने सारे सिस्टम है दोस्तों, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है CGS, सी फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड, ठीक है, ये सारी याद रखिएगा। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड सेकंड्स। जी हाँ दोस्तों, ये है CGS, जहाँ पे सेंटीमीटर है लेंथ का यूनिट, सेंटीमीटर है लेंथ का यूनिट, ठीक है, लेंथ का यूनिट। एंड ग्राम है आपका मास का यूनिट, एंड सेकंड है टाइम का यूनिट, ठीक है, ओके। ये है CGS यूनिट, जहाँ पे लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर माना जाता है, एंड मास का यूनिट ग्राम माना जाता है, एंड टाइम का यूनिट सेकंड माना जाता है। एंड इस सिस्टम को हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ओके। तो ये हो गया CGS सिस्टम, ऑल अबाउट CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मास का यूनिट है ग्राम, एंड टाइम का यूनिट है सेकंड, ओके। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे MKS, MKS, MKS क्या है दोस्तों? M फॉर मीटर, लेंथ का यूनिट क्या है दोस्तों? मीटर है यहाँ पे। एंड K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड, ओके, समझ में आ गया है। मीटर है लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट है किलोग्राम, एंड सेकंड है टाइम का यूनिट इस सिस्टम पे, ओके, ठीक है। मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, एंड टाइम का यूनिट है सेकंड, इसीलिए इसको MKS नाम दिया गया है, ओके। उसके बाद है थर्ड सिस्टम, SI सिस्टम, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। इस सिस्टम में हम लोग सारे इंजीनियर्स, इसी सिस्टम पे सारे बुक्स लिखा जाता है, ठीक है, सारे इंजीनियरिंग बुक्स इसी सिस्टम पे लिखा जाता है। यही सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये हमें सब याद रखना है, ओके, ये सारे हमें सिर्फ याद रखना है। SI में देखो दोस्तों, SI में 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया है, ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया है। एंड ये 7 फिजिकल क्वांटिटी को ही आपको याद रखना है, ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटी, जिसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया है
इस सिस्टम पे, तो वो सारे 7 फिजिकल क्वांटिटी क्या है एंड उसका यूनिट क्या है, ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा। चलो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो 7। तो पहला है दोस्तों लेंथ, जिसको फंडामेंटल कहा गया है। दूसरा क्या है दोस्तों? मास। तीसरा है टाइम, दिख रहा है आपको टाइम। चौथा है दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। पांचवा करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड छठा है दोस्तों लुमिनस इंटेंसिटी, ओके। एंड सातवा है दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। ये सातों फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना है, ठीक है। ये सातों फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी का दर्जा दिया गया है एसआई सिस्टम पे। एसआई सिस्टम का फुल क्या है दोस्तों? फुल नेम क्या है दोस्तों? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके, ठीक है ना। एंड अब क्या देखेंगे दोस्तों? इन सभी सातों फिजिकल क्वांटिटी का, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट्स क्या है एसआई सिस्टम पे, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। तो लेंथ का मीटर है, मास है किलोग्राम, एंड टाइम है सेकंड, एंड टेम्परेचर क्या है दोस्तों? टेम्परेचर है केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी है एम्पायर, एंड लुमिनस इंटेंसिटी है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, ओके, सी से है इसका। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, ठीक है, ओके। तो ये है सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उसके यूनिट्स, ठीक है दोस्तों, एसआई सिस्टम पे। तो ये सातों के सातों आपको याद रखना है। एंड सप्लीमेंटरी में देखें दोस्तों, सप्लीमेंटरी में क्या है? सप्लीमेंटरी में जो एंगल है, एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन, ओके, रेडियन। एंड सॉलिड एंगल एसआई सिस्टम में, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टेरेडियन, ठीक है, ओके। एंड एक और सिस्टम है दोस्तों, जिसको हम लोग FPS के नाम से जानते हैं, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, ओके, FPS के नाम से जानते हैं, FPS, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट जो है दोस्तों फुट है, एंड P फॉर पाउंड जो कि माउस का, सॉरी, P फॉर पाउंड जो कि मास का यूनिट है, एंड सेकंड है टाइम का यूनिट, ठीक है, ओके, सेकंड है टाइम का यूनिट। FPS सिस्टम पे फुट पाउंड सेकंड मतलब लेंथ का यूनिट है फुट, एंड मास का यूनिट है पाउंड, एंड टाइम का यूनिट है सेकंड। दोस्तों ये था आज का क्लास, एंड आज के क्लास में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7866804794, 7866804794, ठीक है दोस्तों। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपना डाउट जो है दोस्तों पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस जो है दोस्तों शुरू हो चुका है आज से ही। एंड कुछ दिनों बाद हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले केमिस्ट्री का क्लास जरूर स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।